ब्रह्मा बुद्धि के देव हैं और इस बुद्धि में जिज्ञासा होती है कि आप हम सब कौन हैं। प्रत्येक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य सोचता है कि मैं कौन हूं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा था चरपतमंदरी में, कस्तम को हम कुत आयात कामे जन्नी कामे तातः इति परे भाव सर्वम सारम विश्व तत्वा स्वप्न विचार। मैं कौन हूं, हमें बनाने वाला परमात्मा कौन है, ये विचार नित्य निरंतर हमारे यहाँ चलते रहना चाहिए। और इन विचारों की परिणति में आता है कि सब कुछ बनाने वाला वो परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा का आप हम सबको ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तप किया तो तप के बाद आप आकाश भगवान ने दर्शन दिया और आदेश दिया कि तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान में सृष्टि बनाऊं तो मुझे मोह न हो, ऐसा कोई उपाय है? तो भगवान ने ये चार श्लोक दिए हैं, इन चार श्लोकों को ले जाओ और इसके बाद तुम निर्माण तो करोगे लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मोह नहीं होगा। मोह किस पे होता है? मोह जिसे हम अपना समझते हैं उस पर मोह होता है, जो हमारा है उस पर हमको मोह होता है। हमें अपने संतानों पे मोह रहता है, अपनी संपत्ति पे हमको मोह रहता है, ये सब मोह है, जो हमारा है उस पर हमें मोह है। लेकिन यहां पर भगवान ने जो चतुश्लोकी ये भागवत दी है, ये भागवत बहुत ही अद्भुत है। चार श्लोक हैं और इन चार श्लोकों में पूरी भागवत का संदेश है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत्परम पश्चादहम यदेतच्चो योग शिष्येत्य सोस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व में भी जब कुछ नहीं था परमात्मा थे, अभी सृष्टि जो है उस रूप में भी परमात्मा ही है, और जब ये कुछ नहीं रह जाएगा उसके बाद भी कौन शेष रह जाएगा? परमात्मा। जब ये कुछ नहीं था उस समय भी कौन था? और जब ये है तब भी कौन है? परमात्मा ही है। और जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी कौन है? यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। हमारे वेद में मंत्र है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अहमेवा समेवा, जब कुछ नहीं था तब भी परमात्मा, जब है तब भी वो पर ब्रह्म, और जब कुछ नहीं ले जाएगा तब भी परमात्मा है। ये अगर हमको निश्चित हो जाए तो हमें किसी से मोह होगा? होगा नहीं। आप लोग ट्रेन में आते हो, जिस बर्थ पर जिस सीट पर आप बैठ करके आते हो, क्या आपके पहले कोई उस पर नहीं बैठा? बैठा ना। और आप जब उतर जाओगे उसके बाद भी तो कोई उस पर बैठेगा ना, या आप उस पर आए तो आपकी हो गई, हमेशा के लिए आपकी हो गई, या पहले से भी आपकी थी? नहीं, पहले भी कोई और आगे भी कोई आगे। बस यही संसार है कि हम तो कुछ क्षण के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे पूर्व में भी वही परमात्मा है, अब भी है वही परमात्मा, बाद में भी वही परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो कैसा मोह, कैसी ममता, कैसा लोभ, कैसी काम, कुछ नहीं, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। ये परमात्मा का परिचय और फिर माया का परिचय दिया है। हृदयर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वात्मनो मायाम यथा भासो तथा तमः। माया क्या है जिसने हम सबको भ्रमित कर रखा है? ये माया क्या है? माया का मतलब है जो नहीं है और होने के बाद भी जो दिखती है, उसका नाम माया। माँ या माँ का मतलब नहीं और या मतलब जो, जो नहीं है लेकिन नहीं होने के बाद भी दिखती है, उसका नाम माया। माया इतनी बड़ी विचित्र है, जो दिखाना चाहिए वो तो नहीं दिखाती है और जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाती है। परमात्मा को हमें आप सबको देखना चाहिए, उसको तो ढक करके रखा है और दुनिया को हमको दिखाती है।